चलिए, बजट में अब बहुत कम दिन बचे हैं और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। इनफैक्ट मैं खुद आया हूँ यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफिस में और मेरे साथ रामदेव सर हैं। रामदेव सर, थैंक यू सो मच। और बजट से पहले मार्केट ऑल टाइम हाई पर, पिछले 3-4 साल में इतनी मैसिव बुल मार्केट, बजट को लेकर अब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अनुज, एक बहुत बड़ा इवेंट तो खत्म हुआ जो नया सरकार आ गया, सो दैट इज मच बिगर देन बजट इटसेल्फ। लेकिन बजट में अब अच्छा, मुझे लगा आप किसी और इवेंट की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो अब क्या, देखिए बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए कि वो ये नए सरकार का जो 5 साल का मैंडेट है वो किस ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई ऐसा इंटरिम थिंकिंग है कि भाई थोड़ा सा मैंडेट अलग ढंग से आया तो अभी कुछ ना करो, अगले साल करो, इस टाइप का माइंडसेट है? कि जैसे हम तो सुना ही पड़ता है कि भाई फर्स्ट 100 डेज में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। मोदी जी के जो गोल सेटिंग रहती है, लंबा सुविचार रहता है, लंबी सोच रहती है, उसके हिसाब से कुछ फंडामेंटल बदलाव लेके आएंगे क्या, यू नो, कि टैक्सेशन में या पर्टिकुलरली पर्सनल टैक्सेशन में। बाकी तो डजंट मैटर, कॉर्पोरेट टैक्स 15-25 है, उसमें कुछ ज़्यादा करने कुछ है नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स इज टेकन केयर ऑफ, इट इज लोएस्ट अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल। पर्सनल टैक्सेशन में थोड़ा सा हिच है, पर्टिकुलरली ये पर्सनल टैक्सेशन में आपका लो एंड में जो फ्री लिमिट्स है 5-7 लाख के बीच में जो है, उसमें कोई फेर बदल होना चाहिए, होगा क्या? क्योंकि टैक्स बॉयंसी बहुत अच्छा है तो, लेकिन कंजम्पशन बॉयंसी बहुत बुरा है। जितना अच्छा टैक्स बॉयंसी है उतना अच्छा कंजम्पशन बॉयंसी नहीं है। तो वो कंजम्पशन बॉयंसी लाने के लिए विल दे गिव सम, मतलब कुछ बेनिफिट देंगे क्या लो एंड को, विच इज़ लॉजिकल, एक्चुअली देना ही चाहिए, लेकिन आएगा नहीं आएगा वो क्वेश्चन मार्क है। सरकार को, सरकार की क्या समझ है, इकोनॉमी से क्या समझ है वो देखेंगे। सो दैट इज़ वन एक्सपेक्टेशन कि भाई लोअर एंड ऑफ द पॉपुलेशन में थोड़ा रिलीफ आना चाहिए और उससे थोड़ा सा जो कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, इट इज़ किक स्टार्ट मिलेगा। सो वो एक एक्सपेक्टेशन है। दूसरा जो है थोड़ा मच हाइप्ड अबाउट वो कैपिटल गेंस, कैपिटल मार्केट पर से, कैपिटल मार्केट पे टैक्सेशन, मतलब बिगेस्ट रिवोल्यूशन टुडे इज द कैपिटल मार्केट। इफ यू सी, अभी आप देखें जो हो रहा है पोस्ट कोविड, 4 साल में जो हुआ है, आज हम $5 ट्रिलियन के मार्केट कैप में पहुंच गए हैं। पर्सनल टैक्सेशन बहुत ऊंचा चल रहा है, उसमें डेफिनेटली कैपिटल गेंस और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स, उनका इम्पैक्ट जरूर है। आई डोंट नो हैव द नंबर, कुछ नंबर है नहीं हमारे पास, एसटीडी का नंबर आता है, बट जो कैपिटल गेंस का जो बेनिफिट होता है वो मालूम नहीं पड़ता। एसटीडी तो जबरदस्त भागा है। आप देखिए कैपिटल गेंस, सॉरी, पर्सनल टैक्सेशन ग्रोथ इन फर्स्ट क्वार्टर, और फर्स्ट क्वार्टर में 21% है। सो क्लियरली देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ, और एसटीडी 116% बढ़ा है। हां भाई, तो क्लियरली इट इज, सो दे हैव टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी इन अ वेरी मीनिंगफुल वे, एंड दे आर वेरी स्मार्ट गाइस, आई एम श्योर। उनके पास भी बहुत अच्छा डेटा कट भी होगा, हमारे पास उतना डेटा कट भी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, एक्सेप्ट फॉर थोड़ा एक्सेसिव स्पेकुलेशन इन FNO, बाकी सब कुछ सही दिख रहा है। मैं इन दोनों पे बात करना चाहता हूँ। आपने एक्सेस बात की, आप खुद एक ब्रोकर चलाते हैं, आपके हिसाब से क्या वाकई में एक्सेसेस हो रहे हैं FNO में? पहले तो इस पर बात हो जाएगी। देखिए, एक तो पहली बात ये समझिए कि T+1 सेटलमेंट है, मतलब जो सिस्टम से NSE और SEBI और सब मिलकर चला रहे हैं, इट इज अमेजिंग। ओके, T+0, T+1 सेटलमेंट करना of the volume and velocity we have is unbelievable. Okay, so that is that you must say that. Second, client ko koi complaint nahi hai. Client ko koi complaint, koi complaint nahi hai. Sab kahin kahin se aata hai ki bhai 90% log loss kar rahe hain, 75-95%, mere ko to aisa koi dikhte nahi koi log. Sab log bolte hain ki nahi, hum acha kar rahe hain. Acha hai, ek do milte hain bhale FNO traders mein. Ha, FNO, lekin complaint nahi kar rahe koi. Ha, see, they are blaming themselves ki mera strategy barabar nahi hai, maine kuch ye nahi kiya, maine, but there is no blame to the system per se. Ha, they are not saying system is unfair or anything. मतलब आपको फ्रैक्शन कॉस्ट ही नहीं है सिस्टम में, बहुत कम थिन मतलब ब्रोकरेज या कॉस्ट में आपका काम हो रहा है। तो कस्टमर, क्लाइंट इज नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, ओके, बट आप बड़े अथॉरिटी हो, आप सरकार हो, आप रेगुलेटर हो, यू हैव टू गाइड द मार्केट वेयर इट हैज टू गो, यू नो, कि किस लेवल का FNO सही है, वो आप अथॉरिटीज हो, आप डिसाइड करो। मतलब मैंने कि भाई हाउ डू आई, मतलब जैसे आप जो भी सोच समझ के कमेटी लेके आएगी जिससे कंट्रोल हो जाए, सो दैट, क्योंकि ये जो रिवोल्यूशन चल रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था आपको कि जब T20 के सब आए यहाँ, 5-6 लाख लोग आए मरीलैंड में, तो कुछ भी तकलीफ नहीं आई क्योंकि बहुत अच्छा रेगुलेटेड था। और वही 5 दिन पहले बाबा जी का वहाँ हाथरस स्टैम्पेड हो गया, अनफॉर्चुनेट, बट बिकॉज इट वॉज नॉट मैनेज्ड वेल,
और यहाँ 10,000 पुलिस पर्सनल थे, 10,000 थे उसी कारण से देखिए क्या कुछ भी हादसा नहीं हुआ। तो ऐसी बात है, अभी जो है ना ये जो T20 रोज हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर रोज T20 जैसा क्राउड है, द होल नेशन इज बिजी। इनफैक्ट कभी कभी मेरा डर भी लगता है, मैं कहीं भी फंक्शन में जाता हूँ मैं तो मतलब अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई सर आप हमको ट्रेडिंग सिखाओ, आप हमको ट्रेडिंग, वो बहुत डर लगता है। तो जिस ढंग से अट्रैक्शन हो गया है, जैसे कई लोग बोलते हैं हमारे बिजनेस में उतना कमाई नहीं है जितना यहाँ पर कमाई है, तो ये सब जो है थोड़ा सा एक्सेसिव हो रहा है। क्लियरली इस टाइप का फीडबैक मिल रहा है, बट उसके लिए अथॉरिटीज क्या कर सकते हैं टू कंटेन दिस एंटायर रिटेल इंक्लूजन। एक्चुअली इट इज नथिंग, इट इज ओनली द रिटेल इंक्लूजन इन टू द स्टॉक मार्केट विच डिडंट हैपन फॉर 75 years, इट इज हैपनिंग फॉर लास्ट 4 years नाउ। मेरे लगता है इस स्पीड से करीब 7-8-10 साल तक ही चलेगा, जब तक 500 मिलियन कस्टमर बेस नहीं हो जाएगा। अभी हमारे पास जो 40 था 2020 में वो 162 तक पहुँचा है, 3-4 मिलियन पर महीने आ रहे हैं। मेरे को लगता है यदि बाजार ठीक ठाक चला, 15-17% आता गया रिटर्न, तो आपका 500 मिलियन जैसा कस्टमर बेस हो जाएगा। तो लेकिन मतलब एज सच कोई रिस्क नहीं है सिस्टम को जो F&O वॉल्यूम से खाली उसकी वजह से आपके साथ? ऐसा मुझे तो नहीं लगता है, मतलब एज अ वन ऑफ द प्रोमिनेंट ब्रोकिंग हाउस मेरे को ऐसा कोई तरीके से कस्टमर के हिसाब से या डिफॉल्ट के हिसाब से ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत सारे कस्टमर लॉस किए जा रहे हैं और हम उनको छुपाते जा रहे हैं या कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। एवरी कस्टमर इज हैप्पी, यू कैन ऑडिट ऑल ऑफ देम एंड बट सेबी का भी तो फिर वो 90% का कहीं से तो आ ही रहा होगा। वो यार देखो वो जो नहीं मालूम मेरे को, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन बट देयर इज लॉट ऑफ हैप्पीनेस। सी मासेस हैव अंडरस्टूड द प्रोडक्ट, जैसे सेलफोन है, सेलफोन जो है ना कई बार जो ओल्ड एज वाले होते हैं कहीं नहीं चला सकते, ओके तो ये जो ऑप्शन इन फ्यूचर बहुत सॉफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है फॉर इंडिविजुअल्स, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये समझिए आप, बहुत अच्छे से एक्सेप्टेंस हो गया है एंड पीपल फ्रॉम मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर सिटी में दे राइट सॉफिस्टिकेटेड वेरी सॉफिस्टिकेटेड स्ट्रेटजीज। बिल्कुल वो तो है। दूसरा पॉइंट जो बात हो रही थी कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर, एक बात ये चल रही है कि क्या लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए अक्रॉस एसेट क्लासेस, बाकी सब एसेट्स में 3 years है तो इक्विटी में क्यों 1 year हो, तो बाकी सबको भी 1 साल का दस क्या तकलीफ है भाई? देखो इक्विटी एक अलग एसेट क्लास है, ऐसा क्यों इक्विटी से ही आपका इकोनॉमी चलता है, हालांकि रियल एस्टेट से भी चलता है, लेकिन इक्विटी जो है ना इट इज मदर्स मिल्क। सी इक्विटी मार्केट का मतलब क्या है, आपका दो काम है, आपको कैपिटल इंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करने हैं बाय वे ऑफ फ्रेश इश्यूज, सेकंड आपको जो सेकेंडरी बायर्स हैं, जो आपके बायर्स हैं जो कैपिटल प्रोवाइड करें उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का। बट जो कैपिटल फॉर्मेशन का जो जो सब्जेक्ट है जिसके कारण से आपके नई कंपनियों को पैसे मिलते हैं, दैट इज अ दैट वहीं से आपका जॉब क्रिएट होने वाला है, वहीं से आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे आपका मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होगा, उनको कैपिटल कहाँ से मिलेगा? तो ये जो है ये तो मोस्ट लॉडेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमी है, कौन सा? इक्विटी मार्केट, इक्विटी टू गो टू द प्राइमरी मार्केट। नाउ दूसरे एसेट क्लासेस जो है उनके भी मेरिट्स है, आई डोंट वांट टू से कि भाई आप इक्विटी में 1 साल रखो और रियल एस्टेट में 3 साल रखो और गोल्ड में 5 साल, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इक्विटी में जो कर रहा आप ग्लोबल जो प्रैक्टिसेस हैं, आप देखिए आपके इमर्जिंग मार्केट जो कंट्रीज हैं, चाहे सिंगापुर हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, वहाँ पर क्या कंपेरेबल इक्विटी अगेंस्ट लॉज आर देयर, क्योंकि इसमें आपका बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट फॉरेनर्स भी हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो कि फॉरेनर्स को भी कंप्लीटली डिसफ्रेंचाइज कर दे। सो इक्विटी डिस्कशन इज मतलब ग्लोबल है बहुत ज़्यादा, तो आप ये हिसाब से करें, मैं शायद नॉलेजेड ना हो पूरे इसके बारे में, लेकिन आप अमेरिका से कंपेयर ना करें, हम डेवलपिंग स्टेज में हैं, हमको इक्विटी चाहिए, हमारा फिनेंशियल सेविंग जो है हाउस होल्ड का दैट मस्ट फ्लो इन टू द इक्विटीज, तो वो ध्यान में रखते करिए। कोई सोशलिस्ट आके बोल दिया कि ये बराबर होनी चाहिए इससे तो मार डालो उसको, वो गलत है, आप बहुत सोच समझ के करना, बिकॉज ये इक्विटी मार्केट का जो कैपिटल गेंस हो रहा है जो है, हालांकि सो लॉन्ग है मतलब अर्निंग्स आ रहा है आपको, तो कैपिटल गेंस आप 12-15 करोड़, 15-20 करोड़, 1 साल का 2 साल, मेरे ख्याल से कुछ अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कमाने के बाद आपको टैक्स लगता है। अच्छा, टैक्स अथॉरिटी शुड ऑल्सो नॉट बिकम ग्रेडी कि मेरे को और पैसे आए करिए, वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी जो है ना उसको मुर्गी को मत मारा लो आप, मेरा कहने का रोज एक अंडा निकालो, हाँ रोज एक अंडा, एक नहीं डेढ़ अंडे आ रहे हैं उनको, दो अंडे आ रहे हैं, तो दे शुड नॉट डिस्टर्ब दैट यू नो सोने के
तो मेरे क्या लगता है, सी एक तो क्या है, द अथॉरिटी शुड नॉट बिकम मोर ग्रीडी अबाउट कलेक्टिंग मोर टैक्सेस, दैट इज वन। सेकेंड, दे शुड बी वेरी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द स्पेशल कैटेगरी। सो जो दूसरे छोटे कैटेगरी है, लेट देम अलाइन हियर रादर देन दे अलाइनिंग विद द अदर्स। चलिए काम करते हैं, अब यहाँ पर एक हल्का सा छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और मोतीलाल ओसवाल के ही टावर में एक और जगह चलते हैं और वहाँ पर रामदेव सर के साथ इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलिए, मैं बात कर रहा हूँ रामदेव अग्रवाल जी से और बहुत शानदार हमारी शुरू में बात हुई। अब क्योंकि हम टॉपिक है बिग बोल्ड आइडियाज, रामदेव सर जब मैं इस इंटरव्यू से पहले आपके साथ आपके कैबिनेट में बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था, उसमें आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया दिया मुझे कि जो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि इतना पैसा मार्केट को चेज कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं तो लगाना होगा ना, तो आखिरकार बेचेगा कौन? पेपर की सप्लाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक आइडिया ये है कि जो 75% मिनिमम पब्लिक होल्डिंग है उसको कम करके 51% पे लाया जाए, ऐसा क्यों समझते हैं आप? देखिए, अभी जो हमारे पास 4000 कंपनी लिस्टेड है वो बहुत है, उससे ज़्यादा और कंपनी लिस्ट करने की जरूरत नहीं, आएंगे नई कंपनीज आएंगे वो भी वेलकम है, देर आर ऑल्सो वेलकम, मोर द मैरियर। लेकिन अभी इमीडिएटली देखिए, आपका फ्लो हो गया मेरे ख्याल से एनी वेयर बिटवीन 6-12 लाख करोड़ पर एनम फ्रेश फ्लो आ रहा है रिटेल से। मतलब आपका SIP 20-25 हज़ार करोड़ हो गया, आपका म्यूचुअल फंड का लास्ट मंथ 40 हज़ार करोड़ है, मतलब 30-35 हज़ार भी समझो तो आपका EPFO, आपका इंश्योरेंस, आपका डायरेक्ट HNI मिलाकर, हाँ, तो कम से 50 हज़ार करोड़ तो होते ही है, इफ नॉट 60-70 थाउजेंड, तो आपको 6-12 लाख करोड़ और बढ़ते आ रहा है तूफान। हाँ, ये हर महीने बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है, तो इसी कारण से 2.5% पर मंथ, मंथ ऑन मंथ इंक्रीज है, हमने निकाला है 2-2.5% मंथ ऑन मंथ कंपाउंडेड। ओके, तो ये क्या रास्ता कितना बड़ा है हमको नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो सिर्फ 160 मिलियन है, मेरे हिसाब से 300 मिलियन तो अगले 3-4 साल में होना ही है, 300 मिलियन डीमैट अकाउंट्स। हाँ, एक्टिव तो, और वो क्यूमुलेटिव एक्टिव मतलब रजिस्टर्ड, अब उसमें एक्टिव पैसे जितना भी होगा होगा, लेकिन उससे क्यूमुलेटिव फ्लो जो है ना वो बहुत अलग ढंग से आएगा। अच्छा, सेबी और भी बहुत ट्राई कर रहे हैं कि भाई स्मॉल टिकट जो शैशे जो बन रहा है म्यूचुअल फंड का 200-250 वाला भी अंदर लेके आओ, कंपल्सरी करो, तो उससे जो बॉटम ऑफ द पिरामिड से जो पैसा आएगा उसकी गिनती तो बहुत रहेगी, अमाउंट छोटे रहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा शेयर नंबर इतना होगा कि उससे वो मतलब एक रिवॉल्यूशन चल रहा है। ओके, वो एक बहुत जबरदस्त काम किया सरकार ने। ओके, अब वो आया, उसको हार्नेस कैसे करें? यदि आपके पास उसको बराबर इरिगेशन में डालोगे आप तो वो फ्लड हो जाएगा और पूरा वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। यदि उसको आप इस एनर्जी को यदि आप हार्नेस नहीं करोगे तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। मतलब आपको सट्टा होगा उल्टा सीधा, जैसे हर्षद मेहता टाइम हुआ था 92, उस समय जो है ना ऐसे आपका इंडेक्स 24 हज़ार वाला 50 हज़ार हो जाएगा, एक साल में 50 हज़ार, मतलब आप समझो क्रैश निश्चित है। और जब ऐसा क्रैश होगा कि 5-10 साल तक और स्कैम फिर स्कैम सब कुछ होगा, तो हाउ डू यू क्या, बहुत अच्छा कंट्रोल है, डिजिटली कंट्रोल है, एंड एवरी सिंगल ट्रेड इज पासिंग थ्रू, इट इज T+1, फुल सेटलमेंट इज हैपनिंग, मार्जिनिंग हो रहा है, मार्क टू मार्केट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा तो मार्केट सेफ है बहुत ज़्यादा, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा पानी लेके आओगे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो उससे क्या है कि आप जो है यू मस्ट, ये तो सबसे पहले सरकार को चालू करनी चाहिए, दे शुड सेट द एग्जांपल, इतना जबरदस्त वैल्यूएशन हो गया है 70-75-80 लाख करोड़ का है, आपको 5 लाख करोड़ का माल सबसे पहले सरकार को बेचना चाहिए। आप क्रेडिट लो 50 हज़ार करोड़ का ही किसमें बजट में, लेकिन बेचो 5 लाख करोड़ का माल, ताकि आपका फिस्कल डेफिसिट 5.1 से सीधा 4.5 आ जाए विदाउट कटिंग एनी एक्सपेंडिचर। तो यू नो देर आर वेज, बाजार यदि इनेबलिंग है, अच्छा आपकी कंपनी भी अच्छी कर रही है, अच्छा उनको फॉलो ऑन ऑफरिंग भी, तो मतलब सब मिला के आपको हाई क्वालिटी पेपर सप्लाई करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो आपको 65-75% जो मिनिमम है, व्हाई कांट यू मेक इट 65? 75 कोई ऐसा कास्टिंग स्टोन तो है नहीं, 65 में आपको कंट्रोलिंग है पूरा का पूरा, 60 में कंट्रोलिंग है, थोड़ा टैक्स इंसेंटिव दे सकते हो भाई, आप बेचो तो आपका थोड़ा, एक्चुअल में नहीं बेचे तो आपको 2.5-3% एक्स्ट्रा टैक्स लगा देना चाहिए, अगर जो प्रमोटर नहीं बेच रहा उसको 2.5-3% एक्स्ट्रा लगा, तो आप सब बेच जा रहे हैं पहले, है ना, तो मतलब सब मिला के आपको फ्लोट बढ़ानी पड़ेगी। तो माने सर गुस्सा हो जाएंगे आपसे? अरे भाई उनको क्या अंतर पड़ता है, उनको तो सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं, हमारा खुद का 70% है। अच्छा। तो हमको भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इससे फ्लोट बढ़ेगा, इससे क्वालिटी पेपर बढ़ेगा, क्वालिटी पेपर दूसरा वैल्यूएशन में थोड़ा ये होगा, जो अभी जो कंसर्न है ग्लोबली मार्केट बहुत ज्यादा है करके, क्योंकि वही फ्लोट घूम रहा है, सौ का पी है सभी, क्या मतलब है?
सरकारी कर सकती है, अब सबसे ज्यादा तूफान द्वारा सरकारी कंपनी में, अरे सरकार छाप छाप के भेजना चाहिए, सरकार को क्या अंतर पड़ता है, सरकार 25% भी आ जाए तो क्या अंतर पड़ता है, सरकारी कंपनी सरकारी रहेगी। तो क्या है कि सप्लाई ऑफ पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले डिमांड प्रॉब्लम था कि भाई 2020 तक क्या था कि देयर वाज नॉट इनफ डिमांड, नाउ देयर इज अ नॉट इनफ सप्लाई एंड दैट टू हाई क्वालिटी सप्लाई। आप यदि कचरा पेपर दोगे तो बेचारों की हालत खराब हो जाएगी, इट विल बैड ट्रीटमेंट टू द रिटेल इन्वेस्टर। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि अच्छी कंपनी को जो है ना कंपलसरी या फोर्स करो कि भाई वो पेपर रिलीज करें। तो उसी कारण से क्या है, मार्केट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है मार्केट, इसमें आप सप्लाई बढ़ाओ, डिमांड बहुत आ रहा है और मेरे लगता है 10 साल तक डिमांड आएगा। यदि आप ऐसे ही 75% बैठे रहोगे तो पता नहीं क्या होगा। बहुत रामदेव सर, जो बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके का पैसा आ रहा है और ऑब्वियसली क्या एक हमारी मार्केट में फिर एक रिस्क है कि विदाउट करेक्शन हम इसी तरीके से चलते रहेंगे, 25,000 निफ्टी, 40,000 निफ्टी, 60,000 निफ्टी, 1,00,000 निफ्टी इस तरीके से चलता रहेगा मार्केट जो एक टाइम पर जापान मार्केट में हुआ था? नहीं नहीं, वैसे नहीं हो, क्योंकि देखिए सप्लाई बहुत है, 4,000 कंपनी लिस्टेड है, देखिए प्रमोटर्स बेचने चालू कर दिए हैं, तो देखिए 440 लाख करोड़ का मार्केट है, इसमें 1% भी प्रमोटर बेचता है 1%, तो 4.5 लाख करोड़ का फ्लोट आता है, और IPO का और सब मिला के 2 लाख करोड़, तो 6-7 लाख करोड़ का सप्लाई ऑटोमेटिकली बनता है, सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। आप देखिए लिक्विडिटी एंड फंडामेंटल, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। लिक्विडिटी से आप डिमांड खड़ा कर सकते हो, बट वैल्यूएशन से सप्लाई आएगी। आप उल्टा सीधा वैल्यूएशन करोगे तो FI पूरा माल बेच के निकल जाएंगे और उसके पहले प्रमोटर बेच के निकल जाएंगे, तो आपके हाथ में खाली पेपर ही पड़ा रहेगा। बट वैल्यूएशन फाइनली विल बी डिपेंडेंट ऑन अर्निंग्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अब वो कैसे शेप अप होता है, हाउ मच मनी गोज इनटू रियल इकोनॉमी, हाउ मच गोज इनटू रियल कंजम्पशन, एंड देन बेस्ड ऑन दैट हाउ द कॉर्पोरेट एक्टिविटी बिल्ड्स अप, वो सब अब क्या है, ये सब चीज़ तो मालूम नहीं किसी को। ये देखिए जो हो रहा है ये हिस्ट्री है, मैं बताऊँ ये पूरा का पूरा ये अपने आप में इतिहास है जो हो रहा है, जो हम इस समय जी रहे हैं वो इतिहास। बिल्कुल हाँ, एंड इट इज अ गोल्डन मोमेंट ऑफ द हिस्ट्री, एंड नेक्स्ट 10 ईयर कैन कम्प्लीटली चेंज द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, करंट अकाउंट डेफिसिट, योर कैपेबिलिटी टू फंड लार्ज प्रोजेक्ट। क्या ये इक्विटी मार्केट लोगों को पॉवर्टी से बाहर लाने में भी हेल्प कर सकती है? देखिए आपका यदि इंडस्ट्रियल, आपका GDP ज्यादा जोर से बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम रहेगा, ऑटोमेटिकली यू गो टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड, उनके बिना काम क्या होना है भाई? आपको जो मिनिमम वेजेस है जो आपको 300-400 रुपए पर डे है, why can't it be 300 rupees पर आवर? रियल विकसित भारत कब होगा? जब आपका मिनिमम वेजेस शुड बी एटलीस्ट $2-3 पर आवर। बिल्कुल200 रुपए देते दिन भर बेचारी काम करे, तो आप जब उनको दोगे 300 रुपए पर आवर, उसके लिए इकोनॉमिक दम चाहिए ना। आपका डिफिकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो क्रेजी कंसेप्ट है, डिफिकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया निकालना चाहिए। तो उसमें एक सजेशन था कि भाई आप जो टैक्स रेट कम नहीं करने का, आई डोंट वांट टू पे इवन अ पेनी लेस टैक्स, टैक्स जितना उतना रखो उतना ही रखो, लेकिन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीट ओवरऑल करो, माय जुडिशरी, माय टैक्स डिस्प्यूट, माय ट्रस्ट विद द हैरेसमेंट नाउ बेसिकली। हैरेसमेंट तो बड़ा हार्श वर्ड हो गया, बट बेचारे वो भी हरास नहीं करते, लेकिन दे आर स्टक इन द सिस्टम। ये प्रोसेस इज पनिशमेंट वाली बात है ना, मतलब कई बार प्रोसेस ऐसे उल्टे से, जैसे मैं बता रहा हूँ ना क्या क्या चेंज हो सकता है। आपका KYC का जो डिफिकल्टी था, दैट हेल्ड बैक द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। वी कुड हैव, आई मीन वी केप्ट ऑन कंप्लेनिंग अबाउट KYC डिफिकल्टी, बट when it got resolved, कोविड के बाद कोविड में डिजिटल ऑनबोर्डिंग हुआ, आज आपको 4-4 मिलियन कस्टमर आ रहे हैं। तो अभी आप कह रहे हैं कि अब इसको ये तो बाय डिफॉल्ट हुआ, अब इसके ऊपर खुद फोकस करें। अब नहीं नहीं, अब वो तो हो गया, अब तो ये खुल गया रास्ता, अब पैसे आ रहे हैं, अब इसको हार्नेस कैसे करें? भाई इतना इक्विटी आ रहा है जो कभी दुनिया में देखा नहीं है, मतलब जो 75 साल इस कंट्री का गया है इन फेमिन ऑफ इक्विटी। बहुत सारे कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स और PSU हो गए, जितने बैड लोन्स और प्रॉब्लम थे, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। अब जो है देयर इज अ फ्लड ऑफ इक्विटी फ्रॉम फेमिन यू गोइंग टू द फ्लड, तो वो फ्लड को कैसे हैंडल करने का, वो अलग माइंडसेट चाहिए उसके लिए, है ना। तो अब देखिए, अभी आप जाके पूछिए कॉर्पोरेट क्रेडिट का क्या हो रहा है, हर जगह कॉर्पोरेट क्रेडिट क्वालिटी इज गोइंग थ्रू द रूफ, द पीपल आर प्रीपेइंग, यू नो। सो द इशू इज दैट यू कैनॉट हैव मोर बेटर एंड रोबस्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कल्चर
देन वॉट यू हैव टूडे इन लास्ट 25-30 years. सो उसी कारण से आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, सबका क्रेडिबिलिटी वेरी हाई. तो अब ये इस सिचुएशन में वॉट एग्जैक्टली शुड बी डन सो दैट दिस कैन बी हार्नेस्ड. ओके, और कोई बिग बोल्ड आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा हो बजट से रिलेटेड या आउटसाइड द बजट? क्योंकि बहुत कुछ तो आजकल जीएसटी के क्या दोगे यार आप? सी इनडायरेक्ट टैक्स सब जीएसटी में चला गया. हाँ. तो दो चार वो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम और लीकर वाला उसको अंदर ले आओ, वही बहुत बड़ा डिस्कशन है, पॉलिटिकल डिस्कशन है. दूसरा ये आपका कि कॉपर टैक्स आपने ऑलरेडी 15-25 कर दिया है, तो उसमें कुछ बचा नहीं है. अभी पर्सनल टैक्सेशन में हम लोग को मांगने का अधिकार ही नहीं है कि लेकिन क्या जो नीचे वाले तबके, मेरे को लगता है 12 लाख तक टैक्स ही मत लगा यार. 12 लाख तक एकदम टैक्स फ्री कर दो. हाँ. ना तो उनके लिए टैक्स अथॉरिटीज एग्जिस्ट, वाइस वर्सा, यू नो, पूरा कंजर एकदम साफ है. काफी लोग टैक्स नेट से बाहर हो जाएंगे. हाँ, अच्छा है ना, आप देख लो, कैलकुलेट कर लो. हाँ. उनके पास तो सब डेटा कटा है. हाँ. मेरे अंदाज नहीं कितना जाएगा, बट यदि 25-30-40 हजार को होना, दे शुड डू इट, वर्थ डूइंग इट. इवन इफ 0.5% ऑफ जीडीपी दैट इज 60,000, 1% ऑफ जीडीपी इज 3 लाख करोड़. ओके, इवन इफ इट इज 1 लाख करोड़ फॉर गोइंग अप टू 12 लाख करोड़, दे मस्ट डू इट. मोदी यू शुड डू इट. ओके, आई डोंट थिंक टैक्स सीबीडीटी और सबको करने की हिम्मत है. इट हैज टू बी डन फ्रॉम द बॉस. तो प्राइम मिनिस्टर को कॉल लेनी होगी, उनको ही कॉल लेना पड़ेगा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पॉलिटिकल कॉल. उसे हो क्या, सी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज वेरी हाई एट द बॉटम. पूरा 90% कंजम्पशन विल गो. यू जस्ट सीन वन ईयर जो डिमांड डेफिसिट है अभी, सब FMCG में, मोटरसाइकिल्स में, वो सब में एक लाइफ आ जाएगी. और जो थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस इसके कारण फैमिली कारण से, वो भी ये डॉट और कारण, वो भी ठीक हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ ऑफ 2024-25 और 2025-26 बूम ईयर. क्या यही, ये जो जितने भी कंजम्पशन सेक्टर्स हैं, ऑटोज, FMCG, या यही दिखा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके की रैली हो रही है, मतलब ऐसे तो मैसिव रैली. सी, एक तो क्या लिक्विडिटी आ रही है. हाँ. तो जो भी थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है. हाँ. मतलब अभी क्या अंधों में कान राजा वाली बात है. हाँ. जो 10-12% भी ग्रो कर रहा है ना, उसको ऐसा भर भर के लोग, मतलब देयर इज नो सेलर यार, जस्ट डिमांड फॉर इट, यू नो. तो वो जो माहौल है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, आपको कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी. यदि कॉर्पोरेट अर्निंग नहीं बढ़ाना, आप बोल रहे हो सब कहानी खराब है. कोई मतलब नहीं, हम कुछ भी कर ले. यदि कॉर्पोरेट अर्निंग्स डोंट ग्रो एट 15-20%, मतलब यानी जो अभी मेरा 1,000 रुपये IPS है निफ्टी का, 2029 में यदि 2,000 नहीं हुआ, वी हैव अ प्रॉब्लम. ओके, डबल होना चाहिए, जबरदस्त प्रॉब्लम. ओके, अच्छा ये रामदेव सर, क्योंकि इतनी बात की हमने, इतने सारे सेक्टर्स चल रहे हैं, बस एक मुझे आपसे पूछना था. प्राइवेट बैंकों में क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों मतलब हर लेवल पर आके इतनी सेलिंग आ जाती है वहाँ पर? एक तो FI ओन्ड है. हाँ. बहुत प्रीडोमिनेटली FI ओन्ड है. हाँ. तो उनको बेचने का है. हाँ. तो वो बेच तो यही रहे वो. हाँ. So that is one. Second, as far as the corporate earnings are concerned, मतलब जो बैंक्स के, मतलब सबके नहीं, बट प्रीडोमिनेटली कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी इज गोइंग अप बिकॉज गुड चंक ऑफ सेविंग्स आर कमिंग इनटू द मार्केट्स. तो उधर कोई 7% में फिक्स डिपॉजिट करने तैयार नहीं है. तो अब डिपॉजिट नहीं आएगा. अच्छा, क्रेडिट ग्रोथ इज वेरी हाई. तो क्रेडिट डिमांड इज गुड, बट लाइबिलिटी सप्लाई इज लिमिटेड. तो RBI इज कीपिंग द सिस्टम लिक्विड, बट कॉस्ट ऑफ लिक्विड इज हाई. तो उसी कारण से क्या, उनका नीम इज गेटिंग कंप्रेस्ड. सो रोटा इज ऑल्सो अंडर चैलेंज. एंड जो टू मोबिलाइज, पहले ऑटोमेटिकली पैसे आते थे, अब बहुत खर्च करना पड़ता है टू गेट द डिपॉजिट्स. सो आई थिंक दे आर द माइग्रेशन ऑफ डिपॉजिट्स टू द फाइनेंशियल मार्केट्स इज हर्टिंग देम, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड. इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड. सो आई थिंक दे विल रिमेन लिटिल चैलेंज. अच्छा, एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी. पिछले 2-3 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप में मैसिव बूम आया, वहाँ क्या आपको थोड़ा रिस्क लग रहा है इस समय मार्केट में? रिस्क वही है ना भाई, कि आपको फ्लो है. हाँ. फ्लो है तो कहाँ जाएगा? लार्ज कैप में क्या है, FI से आप खरीदने आते हो, सट्टा बढ़ाने का कोशिश करते हो, तो FI आके भेज देता है. हाँ. तो वो ठंडा रहता मामला. अदरवाइज 90% ऑफ द प्रॉफिट इज इन द लार्ज टॉप 100 कंपनीज. You should have the most booming top 100 company. चलते नहीं होगी, supply आती है. और mid and small में कोई है ही नहीं. आपको जो मस्ती करना करो, आप 100 करोड़ 200 करोड़ में मस्ती आती है. तो उसी कारण से सब पैसा वहाँ जा रहा है. अच्छा, वो क्या रहा है कि आपने म्यूचुअल फंड के ETF लगा दिए आपने, है ना, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, सबके. अब वो जैसे ही वो भाव बढ़ता है, सी आप allocators क्या कर रहे हैं, जो वेल्थ मैनेजर्स हैं, तो बोले ये वाले स्कीम में 25% रिटर्न आया, आप पैसे वहाँ डालो. अब वो पैसे वहाँ डालते हो तो द गेम कंटिन्यूस, चाहे 40 के पियो, 50 का पियो. सो हु द हेल कैन आर्ग्यू अगेंस्ट द लिक्विडिटी इन द शॉर्ट रन? यू कैन नॉट आर्ग्यू. ओनली इन द लॉन्ग रन द वेइंग मशीन विल कम टू प्ले. चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आपको एक मैसेज देना हो, कोई छोटा सा मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर को, तो क्या होगा?
डिफिकल्टी ऑफ सॉरी डिफिकल्टी एट एसएससी लेवल अबाउट द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, उसको काम किया. हाँ, उसमें जो है ना, मतलब बहुत फंडामेंटल थिंकिंग करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द माई कस्टमर्स आई आस्क देम, व्हाट यू वांट फ्रॉम द बजट, जैसे सर थोड़ा सा हमको जो है ना रिलीफ दिला दो एडमिनिस्ट्रेशन से. ओके, चलिए रामदेव सर, थैंक यू सो मच. बहुत मज़ा आया आपसे आज थोड़ा बात करके. मार्केट के बारे में तो हर बार बात करते हैं, आज थोड़ा अलग बात हुई तो ज़्यादा मज़ा आया. थैंक यू. चलिए देखते हैं 23 तारीख क्या होता है. 23 तारीख को क्या होता है, बिल्कुल. तो चलिए, ये थी मेरी खास बातचीत रामदेव अग्रवाल के साथ, मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफिस से. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातचीत पसंद आई.